गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम आब्दा मैम। टुडे आई विल एक्सप्लेन क्लास 8 हिंदी चैप्टर 9 मिठाई वाला। तो चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 महीने की बात है, मतलब किसी नगर में एक 2-4 दिनों से मुरली वाले की चर्चा हो रही थी। मतलब उसकी ख्याति पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में वहाँ पर फैली हुई थी। तो मुरली बजाने में वह बहुत ही उस्ताद था, मतलब बहुत ही माहिर था। मुरली बजाकर, गाना गाकर वह अपनी मुरली बेचा करता था। तो एक व्यक्ति पूछता है कि मुरली वाला कैसा है। तो उत्तर दिया जाता है कि मुरली की जो उम्र है 30-32 के करीब है, वह दुबला पतला है, गोरा है और बीकानेरी शाफा सर पे बांधता है। वो इस तरह से वो मुरली वाले के बारे में बताया जाता है। तो प्रतिदिन उसी की चर्चा हो रही है और वो प्रतिदिन मोहल्ले में जाता है, गली गली में, और ये गाना गाकर बच्चों को मुरली के लिए बुलाता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो रोहिणी जब इस आवाज़ को सुनती है तो उसे लगता है कि ये उस खिलौने वाले के स्मरण कराता है जो पहले कुछ दिन पहले खिलौने बेचने के लिए आया करता था। तो फिर रोहिणी जो है वो बोलती है कि अपने हस्बैंड से कहती है, विजय से, कि जाइए बच्चों के लिए मुरली ले आइए। तो उसका जो पति जो है विजय, वो बोलता है कि ठीक है। वो दरवाज़ा खोलता, देखता है कि पास में मुरली वाला बेचने के लिए आया हुआ है। तो वो बोलता है कि मुरली कितने की है। तो वो बोलता है कि इसका 3-3 पैसा दाम है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा। तो विजय बाबू जो है वो कहता है कि तुम सभी को 2 पैसे में देते हो, लेकिन तुम मुझ पर ऐसे बता रहे हो जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हो। तो वो दोनों में थोड़ा सा इस बारे में बात होने लगती है। तो वो विजय बाबू कहता है कि ठीक है, छोड़िए, कोई बात नहीं, मुझे मुरली दीजिए, क्योंकि मुझे काम पे जाना है। तो वो बोलता है कि ठीक है। वो क्या करता है, पैसा लेकर के 2 पैसे में वो मुरली उस विजय बाबू को दे देता है। वो अपने घर चला जाता है। फिर मुरली वाला वहीं दूसरी गली में जा कर के इसी तरह से फिर से बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो क्या होता है कि सभी बच्चे अपने घर से निकल के पैसा लेके आते हैं और वो बच्चों को जानते हैं, इसलिए वो बच्चों के पसंद के हिसाब से, जैसा उसको कलर पसंद है, जिस तरह का उसे मुरली पसंद है, वो जानता था कि कौन से बच्चे को क्या कलर और किस तरह का चाहिए। तो वो बच्चों से पैसा लेकर वो लोग को उसी के हिसाब से वो मुरली दे दिया करता था। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। फिर मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर।